नमस्कार जी। आज हमारा जो एक संस्था है जनशक्ति आवाज मंच, उसकी तरफ से हमने आप लोगों से मिलने का प्रोग्राम बनाया ताकि हमारी जो समस्या है उसको पब्लिक ओपिनियन उस पर क्रिएट किया जाए। बेसिकली पंजाब एंड हरियाणा का हाई कोर्ट एक हाई कोर्ट है और काफ़ी समय से हमारी मांग रही है कि पंजाब एंड हरियाणा के हाई कोर्ट्स अलग हों ताकि केसेज की जल्दी डिस्पोजल हो, जज की स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए और लोगों को प्रैक्टिस करने वाले वकीलों से मिलना आसान हो, पार्किंग की समस्या है वो समाधान हो और एडवोकेट्स को प्रैक्टिस करने में अवश्य इससे बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं पार्किंग की समस्या नहीं है। जब अलग राज्य है हरियाणा और पंजाब तो उनके अलग अलग हाई कोर्ट्स होने चाहिए। पूरे देश में ऐसा है, जहाँ भी नए राज्य बने हैं उनके हाई कोर्ट्स अलग बनाए गए। हाई कोर्ट अलग बनने के साथ साथ बार काउंसिल अलग बनाई गई और बार काउंसिल के थ्रू जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो लागू की जाती हैं। हमारे यहाँ जो बार काउंसिल इकट्ठी है, बजटरी प्रोविज़न हरियाणा में भी नहीं है एडवोकेट्स के लिए और पंजाब में भी नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण मैं ही मानता हूँ कि यदि बार काउंसिल अलग होगी तो हरियाणा सरकार भी बजट में अलग से एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए प्रावधान करेगी और पंजाब सरकार भी करेगी। मैंने बतौर चेयरमैन हरियाणा सरकार को पत्र लिखा था, रिप्रेजेंटेशन दिया था कि 50 करोड़ का एनुअल बजट हो एडवोकेट्स के लिए ताकि कम से कम उनको सुविधाएं प्रदान की जा सकें, जैसे दूसरे राज्यों में है। दिल्ली में प्रावधान है एनुअल बजट में, तमिलनाडु में प्रावधान है, केरला, बिहार, उत्तर प्रदेश में सभी जगह बार काउंसिल को एनुअल बजट में सहायता दी जाती है एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए, वो यहाँ नहीं लागू हो पाई। हाँ जी बिल्कुल, यदि हाई कोर्ट अलग होगा, जज की स्ट्रेंथ हरियाणा की अलग से होगी, पंजाब की अलग से होगी, बढ़ेगी स्ट्रेंथ तो उसका डिस्पोजल में फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा हमारे और सारे सुझाव हैं, यदि हाई कोर्ट अलग होगा तो हम चाहेंगे हरियाणा के जो सीनियर एडवोकेट्स हैं जिनकी 25 साल से ज़्यादा की एक्टिव प्रैक्टिस है या जो डेजिग्नेटेड सीनियर हैं उनको फास्ट ट्रैक जज लगाया जाए। इस तरह पंजाब में भी जो सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट्स हैं पंजाब के या प्रैक्टिस में 25 साल से ज़्यादा की वकालत जिनकी है उनको एक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में जज लगाया जाए, इसे मैं समझता हूँ डिस्पोजल जल्दी होगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं खुद पंजाब एंड हरियाणा, मैं पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल का चेयरमैन रहा हूँ। मैंने एडवोकेट्स पंजाब को रिप्रेजेंट किया, हरियाणा को रिप्रेजेंट किया, हमारे इस तरह कोई भेदभाव नहीं है, एडवोकेट्स की यूनिटी है, आज भी है कल भी रहेगी। जो अलग करने का प्रावधान हमने किया है उसका वजह ये है कि अलग से हरियाणा राज्य जो अपने एडवोकेट्स के लिए वेलफेयर फंड देगी और एनुअल बजट में प्रदान करेगी, पंजाब भी करेगी, अलग बार काउंसिल होने से जैसे दूसरे राज्यों में है, मैंने तमिलनाडु का उदाहरण दिया, दिल्ली का दिया, यूपी का दिया, वहाँ स्टेट की अलग बार काउंसिल है और सरकार ने अपने एनुअल बजट में प्रदान किया एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए। हरियाणा में ऐसा नहीं है, पंजाब में भी नहीं है, क्योंकि बार काउंसिल इकट्ठी है, कॉमन लिस्ट एडवोकेट्स की। सरकार ये चाहेंगी कि यदि उनके एडवोकेट्स हरियाणा के एडवोकेट्स की लिस्ट अलग तैयार होगी तो उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स लागू की जा सकेंगी। उनको ओल्ड एज पेंशन की बात है, नए एडवोकेट्स को है, वो कॉमन लिस्ट की वजह से मैं समझता हूँ आज तक ये मैटर डिले रहा, ना पंजाब सरकार ने बजट में प्रावधान किया ना हरियाणा सरकार ने किया। बिल्कुल 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 मामला है, एडवोकेट्स को पैसे की ज़रूरत है, बिल्कुल ऐसा फाइनेंशियल मैटर है, एडवोकेट्स को वेलफेयर स्कीम्स की ज़रूरत है। पूरे इंडिया में बार काउंसिल्स को काफ़ी सारी स्टेट्स हैं जनरल बजट में प्रावधान है, यहाँ नहीं है। उसको लेकर ही हम आए हैं कि जो एडवोकेट्स के वेलफेयर के रूल्स बने हरियाणा के, हमने खुद ड्राफ्ट किए, हरियाणा के रूल्स नोटिफाई हुए, पंजाब के रूल्स नोटिफाई हुए, लेकिन कॉमन लिस्ट होने की वजह से हरियाणा सरकार भी बजट में प्रावधान नहीं कर पा रही और पंजाब भी नहीं। मैंने खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मैं मिला था 2014 में और अपने रूल्स लेकर गया था, साथ में कुछ लोग विरोध करने वाले आगे कि नहीं ये जो रूल्स हैं इनसे पंजाब के लोग बेनिफिट उठा जाएंगे, इस तरह हरियाणा में भी हो सकता है। तो ये चीज़ें पॉलिटिकल हैं, एडवोकेट्स में किस तरह कोई डिफ्रेंसिस नहीं है, एडवोकेट्स साथ हैं, साथ रहेंगे, लेकिन सरकारों से जो बेनिफिट एडवोकेट्स को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी, जो हमारे कई लंबे मामले भी हैं उनको हरियाणा
जल्दी यदि हरियाणा का हाई कोर्ट अलग होगा, पंजाब का अलग होगा, तो जजेज की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और जो लंबित मामले हैं उनका निर्णय भी शीघ्र होगा, एडवोकेट्स को भी प्रैक्टिस करने में आसान होगा। और जो जिला स्तर की आपने बात की, जो बार एसोसिएशन हैं उनको भी बेनिफिट होगा। हरियाणा में बजट का प्रोविजन होगा तो नेचुरली लोगों को बिल्कुल बिल्कुल हमारा नेक्स्ट स्टेप हो सकता है। यदि हाई कोर्ट अलग होगा तो बेंच भी अलग क्रिएट किया जा सकता है, इसका बेनिफिट भी एडवोकेट्स को हो सकता है, क्लाइंट्स को भी हो सकता है। लेकिन बिना हाई कोर्ट अलग बनाए अलग बेंच क्रिएट करना ना तो संभव है ना प्रैक्टिकली हम चाहेंगे कि ऐसा क्रिएट किया जाए। हरियाणा पंजाब का कोई डिस्प्यूट नहीं है, डिस्प्यूट ना हरियाणा का है ना पंजाब का है, डिस्प्यूट है एडवोकेट्स को मिलने वाली फैसिलिटी का, जल्दी डिस्पोजल का डिस्प्यूट है, हम कॉमन मांग हरियाणा के एडवोकेट।